ऐसा प्रतीत होता है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ऐसे समय में अपनी राष्ट्रीय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के तहत अपना रास्ता बना रहे हैं, जब भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विपक्षी दलों से मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति को तेज कर रहे हैं, जबकि बाद में वाले ने 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने के लक्ष्य के साथ भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकास गठबंधन का गठन किया है और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर जाने की अपनी खोज भी की है। बीआरएस प्रमुख सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करके और कई पूर्व विधायकों सांसदों और नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि राव चाहते हैं कि बीआरएस देश में कम से कम 50 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े, जिनमें से तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्य शामिल हैं। उनकी योजना महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 27 पे अकेले चुनाव लड़ने की है। समझा जाता है कि चंद्रशेखर राव ने इस राज्यों में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए दिल्ली स्थित एक एजेंसी से एक सर्वेक्षण करवाया है। वहीं महाराष्ट्र व्याप्त राजनीतिक अनिश्चितताओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। उन्होंने अपना ध्यान पड़ोसी राज्य पर केंद्रित कर दिया है, क्योंकि उन्हें शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और शिवसेना में हालिया विभाजन के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक क्षेत्र में पैदा हुए शून्य के बाद अपनी पार्टी के लिए एक अवसर दिखा रहा है। वहीं बीआरएस प्रमुख को बढ़त मिल गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के लगभग 9 पूर्व विधायक और 4 पूर्व सांसद बीआरएस में शामिल हो गए, जिससे कई विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी मजबूत हुई है।